मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम और प्यार पहुंचे। आज यूं ही कुछ पुरानी फाइलों को, पुरानी डायरीज को, पुरानी कॉपियों को, पुराने लिखे हुए नोट्स को देख रहा था, तो आज से कई साल पहले लिखी हुई एक आजाद नज्म मेरे हाथ लगी, जिसका उन्वान है, मैं मसीहा हूं 20वीं सदी का। गो के अब हम 21वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन हालात, वाकयात, इंसान और उसका दिल, उसके रवैये, उसकी मोहब्बत, उसके जज्बात उससे भी ज्यादा खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। एक दूसरे के साथ हमारा उठना बैठना मिलना वाजिबी सा होकर रह गया है। हम खुदा की तलाश में तो हैं, लेकिन उस जगह उसे ढूंढते हैं जहां वो नहीं है। वो बसता है मुझ में, आप में, एक दूसरे में। इस नज्म का उन्वान है, मैं मसीहा हूं 20वीं सदी का, जो कि माखूज है मुकद्दस मत्ती 24 बाब उन ख्यालात से, उन सवालात से, उन जवाबात से जो खुदावंद यीशु मसीह हमसे पूछेगा, जवाब जो हम देंगे, और अजर और सजा, अदालत, आखिरी फैसला वो देगा। चंद सवाल हैं कि जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पिलाया, भूखा था तुमने मुझे रोटी खिलाई, नंगा था तुमने मुझे पहनने को कपड़े दिए, बीमार था मेरी तामीर तीमारदारी की, कैदी था मुझसे मिलने के लिए आए। जिन्होंने किया होगा और जिन्होंने नहीं किया होगा, दोनों यही कहेंगे कि ए खुदावन, कब ऐसा था तो हमने तेरे साथ ऐसा ना किया। तो खुदावन यीशु मसीह कहेंगे कि इन छोटों में से किसी एक के साथ किया तो मेरे साथ किया। ये नज़्म आपकी अकीदत में पेश करता हूं। मैं मसीहा हूं 20वीं सदी का, मैं कौन हूं मेरे भाई आ बताऊं जरा, हूँ यहूदियों का ख्वाब और मसीहों का खुदा, मैं कौन हूँ मेरे भाई आ बताऊं जरा, हूँ यहूदियों का ख्वाब और मसीहों का खुदा, गैर कौमों के लिए निजात हूँ मैं, मरने वालों की अबदी हयात हूँ मैं, मेरी जिंदगी की यही जुस्तजू थी
कुचले इंसानों को आराम देने की। मेरी आस मेरी उम्मीद थी दुनिया को प्यार का घर बनाने की, लेकिन मेरा घर था ना कोई दरो दीवार, बस मुकद्दर था तख्तेदार। यही अजल से था लिखा हुआ कि मेरी मौत तेरी हयात हो, मेरे मरने से तेरी निजात हो। और मैंने मरकर लिखा निभा दिया, पूरा एक एक नविश्ता किया, मगर लगता है वो सब फजूल है, क्योंकि आग खून की हर तरफ धूल है। अरे एक बूंद से जो पड़े बरस, नफरत बादल दुनिया पे है अटा हुआ। वो आसमान जो मेरा तख्त है, तेरी चाह में है खुला हुआ। पर यहां तो कुछ और ही हालात हैं, मेरी कुर्बानियां भी सब बेसबात हैं। अब भी आदमी आदमी का खून है पी रहा, दूसरों के गोश्त से है जी रहा। कलीसिया में भी मेरी सुरख मसख है, मोमनों में भी जीना तलख है। सब नामों से अफजल मेरा नाम है, पर हर तरफ मेरा नीलामे आम है। सोने चांदी हीरों का जड़ाव बना दिया, लकीरों और पत्थरों का मसीहा बना दिया। हर बेचैन शय में मुझे सजा दिया, मैं कौन हूं क्या हूं सभी ने है बुला दिया। मेरे नाम पे लाखों रुपया दान करते हो, काला धन मुझ पर कुर्बान करते हो, लेकिन मैं अब भी नंगा फिरता हूं तेरी गलियों में, अब भी भूख से नडाल होकर, थक कर टूट कर, दर्द से चूर चूर होकर, कूड़े क्रिकेट के ढेरों पे सो जाता हूं, पर कीमती कारों तले रौन दिया जाता हूं। खून थूक थूक कर एड़ियां रगड़, मर जाता हूं तेरे चौराहों पर। मेरी लाश से उठती है अरे ताफुन, मत दफन कर मुझे यूं बेगौर कफन। यही तालीम दी थी ना मैंने कि मोहब्बत करो, एक दूजे के लिए जियो और मरो। मगर खूब उड़ाया है मेरी तालीम का मोहलक हथियार बना समान किया मेरी तसलील का। एटम बम से मुझे है बांध दिया, रेजे रेजे में बखेरने का इरादा किया। जरा ठहरो अरे जरा ठहरो, पहचानो मुझे, मेरे चीथड़े लो और देखो मुझे कि मैं कौन हूं। हाँ मैं वही हूं जिसकी तालीम देते हो इबादत घर और स्कूलों में, तस्वीर लटकाते हो बड़ी अकीदत से, ताजीम करते हो मैं और रोटी की, पर तैयारी करते हो मेरे बदन की हैकल की। नंगा भूखा बीमार मैं मसीहा हूं 20वीं सदी का। जब चाहा जैसा चाहा मुझे बना लिया, पर मेरा असल रूप तुमने है भुला दिया। पर मेरा असल रूप है
तुमने बुला दिया, इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम यही है। एक दूसरे से प्यार करो, इसलिए कि वो बसता है मुझ में, वो बसता है तुझ में। आए हम एक दूसरे से प्यार करें, यीशु मसीह से प्यार करें। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।